Poetry Live, a platform to sharing your thoughts. राजस्थान को क्या बल्कि पूरे देश को एक ऐसी सांस्कृतिक पत्रिका की ज़रूरत है जो कि केवल कला, साहित्य और संस्कृति के विशुद्ध रूप को लोगों के सामने रख सके, कलाकारों के कृतित्व को सामने रख सके, कलाकारों के व्यक्तित्व को सामने रख सके। ऐसी पत्रिका की बेहद आवश्यकता है और उसी दिशा में मैंने कदम बढ़ाने के लिए इस सर्वेश भट्ट एट कल्चरल प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया है और कहाँ ये लेके जाएगा ये समय ही बताएगा। मैं विश्वमोहन भट्ट, आज बड़ी खुशी है कि सर्वेश भट्ट कल्चरल प्लेटफॉर्म को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये एक ऐसी विधा इन्होंने ली है जिसमें जो भी जो हमारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं वो जन जन तक पहुँचेंगी। और सर्वेश भट्ट जी का जो नाम है वो बहुत उनका बड़ा योगदान है, सब जानते हैं उनका नाम कि उन्होंने कितने बरसों से कला की समीक्षा की है और इतनी बारीक समीक्षा की है कि चाहे वो संगीत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे नाटक हो, चाहे दूसरी विधा हो, चित्रकला या मूर्तिकला, सभी की बारीक जो है समीक्षा इन्होंने लिखी। इतने वर्षों का इनका योगदान और अब इन्होंने खुद का ये लॉन्च किया है आज, और हम सब लोगों को बहुत खुशी है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये बहुत सफलता के कदम चूमे और ये इसी तरह से हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी रक्षा करने में एक कदम इस तरह से उठाया इन्होंने, उसको हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज धनतेरस का शुभ दिन है और इस दिन में इस चीज़ की शुरुआत की है तो भविष्य बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा यकीन है। आप सभी लोगों को धनतेरस और दिवाली की बहुत 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 शुभकामना। ये जो है दिवाली आपके घर सुख समृद्धि लाए, ये मेरी अभिलाषा है। सर्वप्रथम दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज धनतेरस है और आज के दिन हमारे लोकप्रिय जो कल्चरल संवाददाता तो मैं नहीं कहूँगा पर कल्चरल लेखन के जो सबसे बड़े पर्सनालिटी हैं श्री सर्वेश जी, जो पिछले काफ़ी अरसे से राजस्थान में, राजस्थान के ही नहीं बाहर के कलाकारों के लिए भी लिखते रहे हैं और अपनी लेखनी से राजस्थान की कला को समृद्ध करते रहे हैं। इन्होंने एक सर्वेश भट्ट कल्चरल प्लेटफॉर्म, एक सांस्कृतिक पत्रिका का शुभारंभ किया है और उनके कई चरणों में ये अपना काम करने जा रहे हैं। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये सांस्कृतिक पत्रिका सभी कला और संस्कृति के जो कार्यकर्ता हैं उनके अतिरिक्त जो उसके जो प्रशंसक हैं उन तक पहुँचेगी और बहुत आगे तक ये पत्रिका जाएगी, ये मेरी कामना है। आज बहुत ही शुभ दिन है, आज दिवाली का धनतेरस का दिन है, उसके बाद दिवाली है। मैं अपने सभी सुनने वालों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और सबसे बड़ा आज का जो खुशी का दिन है वो ये है कि आज हमारे सबसे सभी के प्रिय सर्वेश भट्ट जी, जो अलग अलग पत्रिकाओं में उन्होंने संपादन भी किया, उनके उसके लेखन भी किया और आर्ट एंड कल्चर को लेकर उन्होंने बहुत ही हमेशा ही सजग रहे और उसके उसको लेकर बहुत ही बेहतरीन उन्होंने लिखा, राइटअप लिखे सभी कलाओं के लिए, चाहे वो कला हो, आर्ट हो, संगीत हो, म्यूज़िक हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक हो, सभी के उन्होंने बहुत ही अच्छी से समीक्षा की है। आज मैं उनको बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने सर्वेश भट्ट कल्चर प्लेटफॉर्म के नाम से एक पत्रिका का शुभारंभ किया है और मुझे उम्मीद है कि ये पत्रिका जो वो भी लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे, वो कला के इन अनूठे लेखक के लिए सराहना करेंगे और मेरी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि इनकी ये
पत्रिका हमेशा सफल हो। अभी ये डिजिटल है, आगे चल के इसकी एक मैगजीन वीकली निकलेगी जो सभी प्रभुत्व लोगों के पास जाएगी। मैं उनको उसकी सराहना करता हूँ, इनकी सराहना करता हूँ और सभी को और आप सर्वेश भट्ट जी को इसके लिए बहुत ही साधुवाद करता हूँ, बधाई देता हूँ। ही इज़ अ वेरी यूनिक राइटर विद हिज क्रिएटिव राइटिंग्स। तो जो इन्होंने आज लॉन्च हुआ है सर्वेश भट्ट एट द कल्चरल प्लेटफॉर्म, इसमें जो खूबी निकल के आएंगी ऑनलाइन पोर्टल में वो आर्ट एंड कल्चर वर्ल्ड के लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि जाने माने जितने भी आर्ट एंड कल्चर जुड़े हुए लोग हैं, हस्तियां हैं इंडिया में, उनके पास पहुंचेगी इन्फॉर्मेशन। सो क्वालिटी कंट्रोल इज़ द मेन क्रक्स ऑफ दिस क्रिएटिव राइटिंग्स, जिसका फ़ायदा जनता, आम जनता को होगा, देखने को मिलेगा। हम बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं आज दिवाली के मौके पर, ये धनतेरस के मौके पर लॉन्च हो रहा है, एंड डेफिनेटली द आर्ट एंड थिएटर वर्ल्ड, द म्यूज़िक वर्ल्ड विल बेनिफिट फ्रॉम दिस ऑनलाइन पोर्टल। धनतेरस और शुभ दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं, और ये शुभकामनाओं का जो पैमाना है वो और भी बढ़ गया है इस साल 2022 में, जब हमारे कल्चरल आइकॉन, हमारे हिंदुस्तान के एक बहुत ही जाने माने कला समीक्षक सर्वेश भट्ट जी का आज कल्चरल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। ये डिजिटल मीडिया है अभी, जो भविष्य में आगे जाके राजस्थान ही नहीं बल्कि देश का पहला कल्चरल न्यूज़पेपर बनने वाला है, ऐसी मैं कामना करता हूँ। तमसो माँ ज्योतिर्गमे, अंधेरे से उजाले की ओर, ये पर्टिकुलरली इसमें मैंने ऐड करवाया क्योंकि सांस्कृतिक पत्रकारिता राजस्थान में अपने निम्नतम लेवल में पहुँच गई थी, और ऐसे में जब हर कोई कला, संगीत, साहित्य की जगत से जुड़ा हुआ हर कोई कलाकार जब मायूस हो गया था, ऐसे में हमारे सर्वेश भट्ट साहब का उदय हुआ और वो इतना शुभ, और सभी कला के जितने भी उपासक हैं, जो कलाकार हैं, संगीतज्ञ हैं, क्योंकि बिकॉज आई एम ए म्यूजिशियन, मैं सात्विक वीणा वादक हूँ, तो मैं संगीतज्ञों के बारे में आपको बता पाऊँगा कि जो हताशा निराशा हो गई थी यहाँ संगीतज्ञों को, उस सब को, उस अंधेरे को दूर करने वाले सर्वेश भट्ट जी हैं, और उनकी समीक्षाएं संगीत के कार्यक्रमों की और उसके साथ डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के, वो सारे हिंदुस्तान में पढ़ी जाती हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग उसको पढ़ रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारे जयपुर शहर के लिए ये एक बहुत बहुत आवश्यक एक कदम मैं इसको मान रहा हूँ, कल्चरल प्लेटफॉर्म, क्योंकि बिना कल्चर, बिना सभ्यता संस्कृति के इंसान और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तो इंसान को बेहतर इंसान बनाने के लिए और इंसान को इंसानियत पहले उसके अंदर जगाने के लिए आर्ट, म्यूज़िक, कल्चर, ये बहुत ज़रूरी है, और इसकी पत्रिका भी ज़रूरी है। तो आज सर्वेश भट्ट कल्चरल प्लेटफॉर्म के रूप में हमको एक बेहद शानदार ये पत्रिका मिल गई, यहाँ एक बहुत ही अच्छे गैदरिंग के साथ सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। हमारे सभी दर्शकों को एक बार पुनः दीपावली, धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं। सर्वेश जी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत लंबे वक्त से आर्ट एंड कल्चर में इस तरीके की एक ज़रूरत महसूस हो रही थी कि एक एक्सक्लूसिव कुछ पत्रिका यहाँ पर आए, जिसके अंदर उन लोगों के लेख आए जो आर्ट एंड कल्चर को समझते हैं, उनकी बारीकियों को जानते हैं और उनके बारे में बेहतर जनता को एक मैसेज दे सकते हैं, ताकि उनके अंदर भी एक इंटरेस्ट पैदा हो आर्ट एंड कल्चर के लिए, जो भी विधाएं हमारी हैं भारतीय। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि जिस उद्देश्य को लेके ये अखबार शुरू किया गया, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, वो सक्सेस होगा, और सर्वेश जी को हम इसी तरीके से शौक से पढ़ते रहेंगे सालों तक आने वाले बहुत लंबे वक्त। City Live, a platform to sharing your thoughts.